नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार काफ्सी म्यूजिक में। दोस्तों आज मैं आपको ये बेंजो संबंधित या फिर जो भी केसियो हारमोनियम मतलब जो भी संगीत सीख रहे हैं तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए या फिर किस प्रकार हम आसानी से कोई भी गाना इसमें बजाने के लिए सीख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले बोलना चाहूँगा जो चैनल में नए देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी जानकारी लाऊं आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी जैसे संगीत वाले रहते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको सरगम मालूम होना चाहिए कोई भी गाना बजाने के लिए, तो हाँ ज़रूरी है कि हमें सरगम मालूम रहता है। तो चलिए देखिए आपको एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप समझने का कोशिश करिएगा उसके बाद मैं बताऊँगा कि यहाँ किस प्रकार है ना। एक आपको गाना बजा के सुनाता हूँ, आप सुनिए और अच्छा ध्यान से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना। यहाँ से बजाते हैं, ये गानों के यहाँ से ठीक है दोस्तों। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ यार, अगर अपन को सरगम मालूम हो जाते हैं सरगम, तो सरगम क्या चीज़ होता है, तो इसके लिए मैं अपने चैनल में पहले से वीडियो डाल दिया हूँ, वो आप देख के देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं उसमें। तो किस प्रकार सरगम होता है, इसमें हम कहीं से भी सामान के चलते हैं तो किस प्रकार इसमें कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, तीव्र स्वर किस प्रकार इसमें रहते हैं, तो यही रहता है कि अपन सरगम को समझ गए तो बाकी जहाँ से भी उंगली से हाथ रखे वो गाना बजने लगेगा। सरगम मालूम हो जाए तो हम अपन जहाँ से भी उंगली रखें और उसमें कौन कौन से, सबसे पहले तो दोस्तों अगर कोई सा भी गाना बजाना है तो वो गाना अपने को अच्छे से याद रहना चाहिए, उसके लिरिक्स वगैरह, उसका म्यूज़िक, तभी कोई सा भी गाना बजाने के लिए बहुत आसानी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार आप शुरू में ठीक है नोटेशन देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम कितना बार बटन याद रखते जाएंगे हर नोटेशन का कि यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ, ये गाना यहाँ से चालू हुआ, ये गाना यहाँ से चालू हुआ, तो वही बताने वाला दोस्तों कि आपको बटन वगैरह ज़्यादा याद रखना ना पड़े, ठीक है, कि ये गाना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बजा, नोटेशन देखेंगे तो वैसी है, नोटेशन में वैसी बताते हैं कि कोई यहाँ से बताएगा कि ये गाना यहाँ से बजा है, कोई यहाँ से बताएगा कि ये गाना यहाँ से बजा है। अगर आपको सरगम स्वर का जानकारी हो जाता है तो स्वर को सुर का या फिर स्वर बोले तो उसका जानकारी अच्छा से समझने के लिए आपके पास, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये है केसियो, ठीक है, केसियो में आप हारमोनियम टोन करके, अगर आपके पास हारमोनियम है तो और बेस्ट है, क्योंकि हारमोनियम में हमको जैसे जैसे हम हारमोनियम में अलंकार वगैरह, देखिए व्यंजन में भी मैं अलंकार बताया हूँ, ठीक है, वही सेम को जिसके पास केसियो वगैरह हैं तो सेम केसियो में उसको फॉलो करके
हम बहुत ही जल्दी या फिर बहुत ही अच्छे से अभ्यास करके हम सीख सकते हैं। ठीक है, सेम ही है दोनों। क्या है इसमें, क्या है ये, क्या है तार वगैरह में रहता है तो इसमें स्वर, लेकिन बजाते जाते हैं तो इसमें भी मालूम होता है, वैसे नहीं है, इसमें भी अपन को पता चलते जाता है सरगम वगैरह बजाते जाते हैं तो। क्योंकि देखिए अभी स्वर में आधारित ही होता है, इधर ठीक है, इधर दबाएंगे तो बजाएंगे या फिर इधर कम आवाज़ है, इधर आवाज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे से बजाते जाते हैं अलंकार वगैरह का सृष्टि करते हैं, तो ये सब धीरे धीरे अपना नॉलेज होते जाते हैं। तो यही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको कोई सा भी गाना अच्छा से बजाना है या फिर कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम में बजाना है तो सबसे पहले आपको स्वर सरगम का जानकारी होना चाहिए, ताकि कोई सा भी गाना किसी बजा दे। दोस्तों मैं सीजी से हूँ, तो यार सीजी वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गीत को एक बार बजाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार देखते हैं उसको भी। देखिए उसको भी मैं बहुत जगह अलग अलग बटन से बजाऊंगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है कि उसमें हम समझ गए कि उसमें गाना में कौन कौन सा स्वर लगा है, उसके हिसाब से हर जगह से वही स्वर में गाना के हिसाब से अपने को बजाना रहता है। चलिए एक बार देखिए, यहाँ से बजा दो, वही गाना यहाँ से, बताना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको, मतलब बार बार बटन याद रखना पड़े कि ये गाना यहाँ से स्टार्ट, बस अपने स्वर को मालूम हो गया कि इस गाने में ये स्वर लगा है, तो अपन कहीं से भी बजा सकते हैं उसको। तो ये कैसे होगा दोस्तों, बार बार इसको प्रेस्टि करते हर जगह से अपन को सरगम बजाना, ऐसे हर जगह से अपन सरगम का अभ्यास करेंगे तो ये अपन को याद होते जाएगा और बजाने में आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी कैसा लगा यार, बढ़िया लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिए, और भी ऐसे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।